वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 अक्टूबर 2019 और 15 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया गया है? तो अभी 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्टैंडर्डाइजेशन के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल इसे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इस बार के वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की थीम आपको याद रखनी है, इस बार की थीम है वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। क्या है? वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने मेरे से इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पूछा था कि कुछ डे होते हैं जैसे विश्व मानक दिवस है, ऐसे एक था अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, तो विश्व और अंतर्राष्ट्रीय वाले में अंतर क्या होता है? ये जेन्युइन क्वेश्चन है, माइंड में आना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल डे होते हैं और वर्ल्ड डे होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है? तो जो इंटरनेशनल डे होते हैं उनका मतलब होता है कि वो एक से ज्यादा देशों में मनाए जाते हैं, दो भी देश में मनाए जा सकते हैं, चार छह आठ दस देशों में मनाए जा सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल डे है उसमें ये नेसेसरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के हर देश में वो मनाए जाएंगे। लेकिन जो वर्ल्ड डे होते हैं जैसे ये है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, तो ये वर्ल्ड की हर कंट्री में मनाया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है इंटरनेशनल डे और वर्ल्ड डे में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके भी माइंड में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मैंने अक्टूबर के इंपोर्टेंट डे अभी आपको कई बार बताए हैं, फिर मैं आपको एक बार अक्टूबर के सारे इंपोर्टेंट डे रिवाइज कराता हूं। अक्टूबर में पहला इंपोर्टेंट डे मनाया गया था 1 अक्टूबर को, और क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। अब आप जब भी अंतर्राष्ट्रीय देखें और विश्व देखें तो आपके माइंड में तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस का क्या मतलब होता है और विश्व दिवस का क्या मतलब होता है। अच्छा, 1 अक्टूबर के बाद आया 4 अक्टूबर, और 4 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड एनिमल डे। उसके बाद आया 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे। उसके बाद आया 7 अक्टूबर, और 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे। उसके बाद आया 8 अक्टूबर, और 8 अक्टूबर को मनाया गया इंडियन एयरफोर्स डे। उसके बाद आया 9 अक्टूबर, और 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे। उसके बाद आया 10 अक्टूबर, और 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। उसके बाद आया 11 अक्टूबर, और 11 अक्टूबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। उसके बाद आया 12 अक्टूबर, और 12 अक्टूबर को था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। उसके बाद आया 13 अक्टूबर, और 13 अक्टूबर को था अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। और अब ये 14 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। तो इंपोर्टेंट डे आपको इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो के साथ याद होने चाहिए, लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी इंपोर्टेंट डे आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो अभी राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत 14 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया जाएगा। अब इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? कमलनाथ। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अब ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्री कौन है?
प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अब ये मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इनको आप एक जगह नोट कर लीजिए। और ये जो पेंच नेशनल पार्क है, ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया, और क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था कि प्रियदर्शनी नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क का नाम है, इस टाइप से क्वेश्चन बनाया गया था। तो पेंच नेशनल पार्क को ही प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2019 शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार शुरू हुआ, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये शुरू हुआ है तो कहां शुरू हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो ये सिएटल में शुरू हुआ है। कहां पे? सिएटल। इस बार ये सिएटल में हो रहा है और लास्ट टाइम ये जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मास्टर कार्ड इंडिया का COO नियुक्त किया गया है? तो अभी विकास वर्मा को मास्टर कार्ड इंडिया का नया COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ये है विकास वर्मा, और इन्हीं को मास्टर कार्ड इंडिया का नया COO अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलेक्सी लियोनोव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एलेक्सी लियोनोव ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि ये एक अंतरिक्ष यात्री थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे एलेक्सी लियोनोव। ये रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ जो खड़े हैं, यही थे एलेक्सी लियोनोव, और ये एक प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले ये व्यक्ति थे, और अभी इनका निधन हो गया है। अब ये रशिया के थे, तो ये है मैप में रशिया, और रशिया के बारे में बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दमित्री मेदवेदेव। अच्छा, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांस्क ये कहां है? ये भी रशिया में है। और रशिया की संसद का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो रशिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन फास्टैग पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में वन नेशन वन फास्टैग पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपने देखा होगा जो टोल प्लाजा होते हैं वहां पे फास्टैग लगे होते हैं, और फास्टैग का फायदा क्या है? जैसे जो टोल प्लाजा पे लंबी लंबी लाइन लगती हैं, जो कार्स की लाइन लग जाती हैं, अगर किसी कार के शीशे पे फास्टैग लगा है तो वो कार इजीली वहां से क्रॉस कर जाएगी और ऑटोमेटिक वहां से टोल कट जाएगा। तो ये फास्टैग होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉनिकली टोल कट जाता है। टोल जो आप हाथ से पैसे देते हो वो आपको नहीं देना पड़ता, सीधा बैंक से डिडक्ट हो जाता है। तो ये होते हैं फास्टैग। तो वन नेशन वन फास्टैग पर एक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है अभी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी के सतीश रेड्डी को इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है के सतीश रेड्डी, और इन्हीं को इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो अभी ब्राजील में ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस बैठक में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय संस्कृत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल, और यही प्रेजेंट टाइम पे हमारे संस्कृत मंत्री हैं। अब ये ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेयर बोल्सोनारो। कौन है? जेयर बोल्सोनारो। अब ये जो टर्म लिखा है ब्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म अक्सर पूछ ली जाती है, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इस तरह से बनता है ये ब्रिक्स। और ब्रिक्स से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी?
तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब एग्जामिनर को थोड़ा सा कंफ्यूज करना होता है तो वो पूछ लेता है कि ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका कब जुड़ा। तो ब्रिक्स की स्थापना तो 2006 में हुई थी, लेकिन ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था, ये आपको याद रखना है। 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो अभी अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र की नोबेल 2019 से सम्मानित किया गया, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय मूल के हैं ये अभिजीत बनर्जी, और इनके साथ दो और व्यक्तियों को इस बार का इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है। अब ये दो लोग कौन हैं, तो आप इमेज में देखिए, ये हैं अभिजीत बनर्जी, इनके साथ में जो आपको दिख रही है ये हैं एस्थर डुफ्लो, और इनके बराबर में है ये हैं माइकल कैमर। इन तीन व्यक्तियों को इस बार इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है। अच्छा, इकोनॉमिक्स का नोबेल, लिटरेचर का नोबेल और पीस नोबेल, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इकोनॉमिक्स का इन तीन लोगों को मिला है। इस बार का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? इथियोपिया के प्रेसिडेंट अबी अहमद अली को। और लिटरेचर का नोबेल किसको मिला है? पीटर हांटके को। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, इकोनॉमिक्स का, पीस का और लिटरेचर का, तीनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता है? तो अभी लक्ष्य सेन ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है लक्ष्य सेन, और ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, और इन्होंने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता है। अब ये जो टर्म है BWF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? क्वालालंपुर में, और क्वालालंपुर कहां पे है? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है चंडी प्रसाद भट्ट, और इन्हीं को इस बार के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, ये हैं कौन? तो आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा। चिपको आंदोलन से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुड़ा चिपको आंदोलन के नेता थे। और चिपको आंदोलन हुआ कब था? ये 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। अब चिपको आंदोलन के नेता तो सुंदरलाल बहुड़ा थे, लेकिन जब एग्जामिनर को आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना होता है तो वो आपसे पूछ लेता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे ये चंडी प्रसाद भट्ट, और इन्हीं को इस बार इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनको 1982 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, उसका 1986 में इनको पद्मश्री मिला, उसका 2005 में इनको पद्म भूषण मिला, और उसका 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार मिला, और अब इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इनका नाम आपको याद रखना है, चंडी प्रसाद भट्ट, और ये थे कौन? ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सौरभ गांगुली को BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। BCCI के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष CK खन्ना ही है, लेकिन सौरभ गांगुली को नेक्स्ट अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। अब ये जो टर्म लिखा है BCCI, ये इंपॉर्टेंट है। BCCI की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और BCCI के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? CK खन्ना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेहरी आली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।